आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पद्मभूषण डॉक्टर कोपिल्लील राधाकृष्णन जी, विदर्भ प्रांत के माननीय सहसंघचालक महोदय, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित सभी श्रद्धेय संतगण, देश विदेश से यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने पधारे हमारे अतिथिगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस विजयादशमी को यानी आज के दिन अपने कार्य के 100वें वर्ष में संघ पदार्पण कर रहा है। इसीलिए शायद आज के उत्सव को देखने के लिए समय से पहले ही पर्जन्य राज भी उपस्थित हो गए हैं और इसलिए स्वयंसेवकों को थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। विशेष महत्व का वर्ष इसलिए भी है, पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था उनके गुणों के लिए। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये 320 जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनर्जीवन करती है और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक, ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र, उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है तो प्रजा में चारित्र्य चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपद का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे, उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हाल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया।
और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है, उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चली गई और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है, जैसा हमको होना चाहिए, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र। इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया, उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्णन किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार के समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है और उसके आदर्श ये जीवन है, क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है, दुनिया की हो देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में। भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है। लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है, उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा, उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुनके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना,
ऐसा दुनिया में चलते रहता है, ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करे, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं के भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है, और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं, इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है, और दोनों मिलके क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैर भाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है, ऐसे वर्णन नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है, ये तो देखने वाले सोचने वाले समझते, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था, कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहाँ तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ है, बहुत पहले से है, क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है भद्र है ऐसा मानता है उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है, और ये करने के लिए पहला सूत्र उनका होता है इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगाड़ना, अपनी परंपरा के प्रति अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दे,
हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है, समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है, अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में, ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है। और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने, प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव टकराव देश की एकता एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में, पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है, अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है, और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा, उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा, संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है, और वो बलवान होती है तो वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है। और हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार का मनोवचन कर्मों पर कुप्रभाव निर्माण हो रहा है, क्योंकि
अब कोई बात छिपी रहती नहीं, मीडिया सर्वत्र पहुंचता है, बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना नहीं देखना, इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए कोई, इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में खोखली होती चली जा रही है। कहीं पर दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है। इस प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि, जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है। जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है परिवार में, अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, अपेक्षा ये उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र, आप देखिए सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है, और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है, इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाप कर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसके एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण।
अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है, कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के दो भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का वाचरण व्याकरण कहा है। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। मैं वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में ऐसे जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है। समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन, ये सब सहायक कार्य होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है, और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था, यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं कहते करते। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च, बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई, कहते हैं क्या घोड़े की, नहीं वो तो लात मारेगा। हाथी, नहीं बहुत बड़ा है। शेर, नहीं बाबा वो तो बिल्कुल नहीं। फिर किसको, तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकता। देवो दुर्बल घात का। और इसलिए इस स्वस्थता को, संगठित कात को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विषय हम शताब्दी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे। अभी 1.25 साल शुरू हुआ है, वो पूरा होगा 1925 में। उसके बाद साल भर शताब्दी वर्ष का कुछ चलेगा। उसके बाद समाज में हम विषय लेने जाने वाले हैं। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। और इसलिए इन बातों को ले जाना है। लेकिन ये बात ले जानी है, कार्यक्रम ले जाने से नहीं होता। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। मैं जितने दायरे में घूमता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए। मेरे परिवार के मित्र कुटुंब वहाँ सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए। भाषा विविध है, पंथ संप्रदाय विविध है, खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग होने के बाद भी
ये कुटुंबों की और व्यक्तियों की मित्रता यही समाज में समरसता लाती है। प्रबोधन करने के लिए बाकी सब काम आता है, आचरण करने के लिए ये प्रत्यक्ष मित्रता चाहिए। और जहां जहां लोगों को समझाना संभव है, अपना इतका अपनी इतनी साख है, वहां समझा के पर्व त्योहार सबके होने चाहिए। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों ना क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो, ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, श्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा, इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग है, उनका अपना अपना नेतृत्व है, उस नेतृत्व के हाथ में संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा उन उन जाति वर्गों का संचालन होता है, अच्छी तरह होता है। ये सब जाति वर्गों के जो मुखिया लोग हैं, वो अगर नीचे खंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर एकत्रित आए और आपस में बताए कि अपने जाति के उत्थान के लिए उनको समय के हिसाब से ठीक प्रकार का प्रबोधन, क्या क्या खतरे हैं समाज जीवन में, उससे अपने आप को कैसे बचाना, इसके बारे में जानकारी, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी, ये हम अपने समाज में कैसे देते हैं, उनका जीवन अधिक उन्नत हो, अधिक संस्कार वाला हो, भौतिक दृष्टि से सुखी हो, क्या क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर करना, बताना, कल्पनाएं मिलती है अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए। लेकिन इनके साथ और दो विषयों की चर्चा करना, अपने अपने जाति वर्ग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में समाज की कौन सी एक समस्या है जो हम उठाकर अपने बलबूते उसको ठीक कर सकते, पूरे समाज की कोई समस्या, हर दो महीने बैठते तो दो महीने में एक कोई समस्या उठाकर उसको ठीक करना, सबने मिलकर तय करना, इसको हम हाथ लगाएंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये तय करना कि हम सब जाति वर्ग यहाँ रहते हैं, हम मिल रहे हैं, वो हम में जो दुर्बल जाति है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ऐसी एक बैठक में मैं था, वह वाल्मीकि बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या, हमारे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय चलता नहीं है, प्राइवेट विद्यालय हमको पुराता नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़े। तो वहाँ राजपूत समाज के लोग बैठे थे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है, उनका है तो ले हमारा स्कूल है, 20% लोगों को हम लेंगे, बिना फीस के पढ़ाएंगे, और वो काम शुरू हो गया। समाज में विभिन्न जाति वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन तीन विषयों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं, सबका भी विचार करते हैं, हम सब एक दूसरे से लगे हैं, हमारे संबंध है। ये करना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम जाएंगे और हम आए, इसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं, जहां हो सकता है वहां शुरू होना चाहिए। दूसरा विषय एक सामने आता है, जागतिक समस्या है पर्यावरण की, सारी दुनिया त्रस्त है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चिंतकों के सामने है, सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, और अपने देश में भी उसका अनुभव हो रहा है। हम देखते हैं हमारे यहां पर तरह तरह के उत्पाद हो गए, ऋतु विचित्र बन गई, कभी भी आती है, और जब आती है तब फूट पड़ती है, वर्षा नहीं होगी नहीं होगी तो मुंह तक में छाले पड़ जाएंगे इतनी गर्मी, और होगी तब छालों सहित सबको बहा ले जाएंगे। ये विचित्र तीव्रता ऋतुओं की उत्पन्न हो गई है, ये सब होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पर्यावरण के बारे में एक अधूरी दृष्टि पर चलना है। अब सारी दुनिया इसको अनुभव कर रही है और इसलिए उस दृष्टि को बदलने का प्रयास भी सर्वत्र हो रहा है। अपने देश में भी उसकी बात तो हम करते हैं,
परंतु उसी दृष्टि को लेकर हम भी चले, दुनिया का अंधानुसरण किया, और इसलिए हम देखते हमारे यहां भी वो उत्पाद हो रहे, हमारी जमीन विकृत हो गई, हमारा पानी अशुद्ध हो गया, हमारी वनस्पतियों में केमिकल्स आ गए, उसके कारण बीमारियां बढ़ रही है, ऋतु ऐसे बन गए हैं, जंगल कट गए, हरियाली नष्ट हो गई, नदियां सूख गई, अन्न जल वायु धरती सब विषाक्त तो हो गए, पर्वत ढहते हैं, भूमि फटती है। पिछले 2 वर्षों के समाचार देखिए। तो इस विचार को बदल के हमको अपने विकास पथ को सही, जो अपना परंपरागत पूर्ण विचार है, जो पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता रखता है, मित्रता रखता है, उसके आधार पर कई प्रकार की अपनी पद्धतियां, पर्यावरण को पुष्ट करने वाली पद्धतियां है, मनुष्य जीवन को सुखी ढंग से चलाते हुए, जैसे जैविक कृषि है, 10,000 साल की खेती है हमारे देश में, जमीन अभी भी दे रही, उर्वर है, रासायनिक खेती हुई, 200 साल में भूमि बंजर बन गई, अब कई जगह भूमि को 3-3, 4-4, 10-10 साल विश्राम देना पड़ता है, उसमें तरह तरह के जैविक खाद डालने पड़ते, तब कृषि योग्य बनती है। ऐसी स्थितियां हमारे देश में भी कई कई हो गया है। हमको अपने विचार के आधार पर अपना विकास पथ बनाना पड़ेगा, और नीति उस प्रकार बनानी पड़ेगी, उसका कोई पर्याय नहीं है। परंतु इसके लिए विचार बनना चाहिए, सारे देश में एक समान वैचारिक भूमिका बनानी पड़ेगी, उस भूमिका का क्रियान्वयन करना है, तो देश में भी इतनी विविधता है, तो क्रियान्वयन की पद्धति विकेंद्रित बनानी पड़ेगी। इसको करने में समय लगेगा, तब तक रुकने की आवश्यकता नहीं, अपने घर से हम प्रारंभ कर सकते, 3-3 छोटी चीजें करना, पानी बचाओ और पानी का संधारण करो, जल संधारण करना और कम से कम उपयोग में चलाना, फालतू जाने नहीं देना पानी। दूसरी बात है प्लास्टिक हटाओ, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक अपने यहां नहीं चलना चाहिए। और तीसरी बात है पेड़ लगाओ, घर में भी हरियाली रखो, आंगन है तो बगीचा करो, पेड़ सब्जी वहां उगाओ, नींबू का पेड़ हो सकता है, सीताफल का पेड़ हो सकता है, छोटी मोटी सब्जियां हो सकती है, पालक मेथी ये सब हो सकता है, छोटे से आंगन में भी हो सकता है, गमलों में भी वो खेती हो सकती है, छत पर भी खेती हो सकती है, घर की हरियाली बढ़ाओ और अपने गांव की, शहर की, मोहल्ले की हरियाली बनाने के लिए वृक्षारोपण करो, और कोई भी वृक्ष मत लगाओ, परंपरा से उस आबोहवा में मनुष्य जीवन को जो धारण करते हैं ऐसे वृक्षों का ज्ञान अपने यहां है वो लगाओ। कई पेड़ हमने फैशन के नाते लगाए, विदेशों से आयात करके लगाए, अब उनको काटने की आज्ञा सरकार दे रही है, क्योंकि उसके कारण मदनपल्ली गया था, कुछ पेड़ लगे थे, ये पेड़ काटने को कहा है सरकार ने, क्यों कहा है भाई, अच्छे तो घने पेड़ है, इस पर पंछी नहीं बैठता और इसकी हवा में आने वाले को विकार होते हैं, विषारी हवा है, ऐसे पेड़ हम क्यों लगाए। हमारे यहाँ पेड़ है परंपरा से, नीम का पेड़ इतना गुणकारी है, ऐसे पेड़ है वृक्षारोपण करना। ये करते हैं तो नीतिगत प्रश्नों के संबंध में हल करने में जो समय लगेगा, विलंब होगा, उस बीच नुकसान तो कम होगा या थम जाएगा, ये हमको करना चाहिए। दूसरी बात आती है संस्कार, संस्कार क्षरण की चर्चा हमने की, संस्कार शिक्षा से मिलते हैं, शिक्षा 3 जगह से होती है, एक अपना घर है, घर में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण होता है, घर के वातावरण से, घर के लोगों के आचरण से। ये जो कहा मैंने, मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, आज की हवा बिल्कुल उल्टी चलती है ना, तुम ही सब कुछ हो, इंडिविजुअलिज्म, यहां कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु,
मेरे जैसे सब लोग हैं, जिससे मुझे खराब लगता है दूसरों के साथ नहीं करूंगा। पैसा शॉर्टकट से नहीं लूंगा, पसीने का कमाऊंगा वही खाऊंगा। दूसरों का पैसा मिट्टी का ढेला है मेरे लिए। पर द्रव्येषु लोट्ठवत् और मातृवत् परजारेषु, ये प्रशिक्षण कहाँ होता है? सबसे पहले अपने घर में होता है, बचपन से होता है। घर का वातावरण वैसा करना, घर के सब लोगों को वैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपने कुटुंब में इसकी चर्चा करते रहनी चाहिए, वैसा वातावरण बनाना चाहिए। शिक्षा नीति में ये आना चाहिए, नई शिक्षा नीति में इसका प्रयास चल रहा है। परंतु वो जो कॉलेज स्कूल में शिक्षा मिलती है, यानी प्रबोधन होता है, भाषण होता है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, केवल उससे नहीं होता, देखना भी होता है। शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका मूर्तिमंत उदाहरण शिक्षक प्राध्यापक होने चाहिए। वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, उनके प्रशिक्षण का कोई तरह का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, शिक्षा तो बाद में आती है। आयु के 3 साल से लेकर 12 साल तक की घर के वातावरण से और घर में होने वाले संवाद से मनोभूमिका बनती है, आदमी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए घर और ऐसे शिक्षा संस्थान, उसके साथ साथ सामाजिक वातावरण, समाज में जिनको देखकर लोग चलते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना महाजनो येन गतस्य पंथा, कई उक्तियां हैं। समाज के प्रमुख लोग जैसा चलते हैं वैसा सब लोग करते, विचार करने की झंझट में नहीं करते पड़ते, उनकी वो क्षमता नहीं, वो समझते भी नहीं। तो जिनको बड़ा माना जाता है, जो लोकप्रिय है, जो प्रभावी है, वो जैसा कहेंगे करेंगे वैसा कहते करते हैं लोग। उनको ये चिंता करनी चाहिए, समाज के मन को गढ़ने वाले माध्यमों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे करने में से समाज की धारणा करने वाले, समाज में भद्रता मांगल्य कायम रखने वाले मूल्यों का पोषण होना चाहिए। कम से कम उसको धक्का लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की बातें आती है OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर, बताना भी अभद्रता होगी, इतना बीभत्स होता है। और इसलिए मैंने कहा कि इसका कानून से भी नियंत्रण होने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जो संस्कार भ्रष्टता था, एक बड़ा कारण वो भी है। और इन्हीं संस्कारों का जीवन में प्रगटीकरण जब होता है, तो उसका एक दूसरा पहलू है हमारा सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन, नागरिकों का जीवन। हम लोगों को देश में साथ में रहना है, साथ में रहना है तो ठीक से चलना आना चाहिए ना। अभी आपने देखा यहाँ कीचड़ फैला था, उसमें चलना संभव नहीं था, चलते फिसल जाते, ठेला ठेली होती, चलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। क्योंकि बाजार में चलना अलग बात है, वहाँ कोई किसी का रहता नहीं, अपना अपना काम करने आता है चले जाता है, तो भीड़ रहती है, ठेला ठेली होती है, सब होता है। लेकिन ठीक से चलना है तो मिलके चलने का शास्त्र रहता है, मिलके चलने के नियम होते हैं, देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी होता है। आज 2 पथ संचलन होने वाले थे, एक करना पड़ा, एक उसमें 6 कतारों में चलने वाला था, सबको 4 में चलना पड़ा, क्योंकि वर्षा के कारण एक परिस्थिति आई। ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अपने समय में जो भी नियम है साथ चलने के, उसका पालन करना चाहिए। नागरिक अनुशासन होता है, कई प्रकार के कर बिल भरने पड़ते हैं, समय पर भरना चाहिए। दीनदयाल जी ट्रेन में जा रहे थे, ट्रांजिस्टर बंद कर दिया, सामने वाले को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर लगाओ, मुझे वार्ता न्यूज़ सुननी है। सामने वाले ने कहा अभी तो आपने बंद किया आपका, तो मैंने इसलिए बंद किया कि अभी इसका लाइसेंस रिन्यू करना बाकी है, अभी इसका लाइसेंस समाप्त तो हो गया, रिन्यू करने के बाद मैं लगाऊंगा, तब तक कृपया आपका दीजिए।
दीनदयाल जी बड़े व्यक्ति थे, नेता थे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। वो ये नहीं करते तो उनको कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान रखा। गलती से एक बार सब्जी वाली को खोटा पैसा चला गया, वापस आए कार्यालय से, सारा खुर्दा ढूंढ के वो खोटा पैसा वापस लिया, खरा पैसा दिया, खोटा पैसा नदी में फेंक कर आए क्योंकि दूसरा कोई उसका उपयोग न करे। ये आचरण, ये समाज के नियम होते हैं, राहदारी के नियम होते हैं, कैसे चलना, कितना स्पीड, लाल बत्ती, हेलमेट, सारी बातें। इन सबका ठीक से पालन होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पालन होना चाहिए, अक्षरशः और भाव ध्यान में रखकर भी। और ऐसे ही अपने पूर्वज देश को एक चलने का अपना अनुशासन है, अपना संविधान। वो संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना, वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए। और इसलिए उस संविधान के चार प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में से, स्वभाव में से हमको मिलजुल कर चलने की कला मिलती है, वो मिलनी चाहिए। वो पारस्परिक व्यवहार का अनुशासन, परस्पर व्यवहार में मांगल्य, सद्भावना, भद्रता और सामाजिक व्यवहार में देशभक्ति और समाज के प्रति आत्मीयता के साथ कानून संविधान का निर्दोष पालन, ये सब मिला के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र बनता है। देश की सुरक्षा, एकात्मता, अखंडता व विकास के लिए यही दो पहलुओं महत्वपूर्ण है। इनका त्रुटिविहीन और संपूर्ण होना आवश्यक है। इसलिए सजगता और सातत्य के साथ इसकी आदत लगानी चाहिए। आदत की बात है, समझते सब है, करने की आदत जो पड़ी है उसको बदलने की बात है। इसलिए हमेशा सतर्क रखते एक एक कदम पर, इसमें इस चौखट में मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं, ये देखना चाहिए। और ये आचरण सतत ऐसे होता है, उसकी प्रेरणा है स्व की प्रेरणा, स्वदेशी हम कहते हैं। ये स्व क्या है? अध्यक्ष जी ने बोली कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने एक सत्य को प्राप्त किया। उस सत्य के आधार पर हमारे कुछ मूल्य बने जिनको धर्म कहते हैं, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इस चौखट में जो बैठता है वो धर्म है। धर्म भारत का स्व है, रिलीजन नहीं, रिलीजन अनेक है। सब रिलीजन के पीछे जो रिलीजन है उसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन ऐसा कहते, वो धर्म, वो भारत का प्राण है, वो हमारी प्रेरणा है। उसके कारण हमारा इतिहास बना है, उसके लिए हमारे बलिदान हुए। देखिए अपना पूरा इतिहास, आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो कर्तृत्व हुआ है वो धर्म के कारण हुआ है, भारतवर्ष में जो संघर्ष हुआ है वो भी धर्म के लिए हुआ है। उसको ध्यान में रखना, उसकी पहचान, स्पष्ट स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। हम कौन है, उसके नाते हम कहे जाते हम सब हिंदू है, क्योंकि उस धर्म को जो शाश्वत है, सनातन है, सृष्टि के साथ अस्तित्व में आया है, सबको है, सबका है, हमने खोजा नहीं है, हमने दिया नहीं किसी को, हमने पहचाना केवल, इसलिए उसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में मानव धर्म, विश्व धर्म है। वो हमारा स्वत्व है, उस स्वत्व के आधार पर चलना, छोटे छोटे व्यवहार भी उसके आधार पर करते हैं। उसके गौरव के कारण स्वाभिमान उत्पन्न होता है,
और स्वाभिमान हमको बल देता है आगे बढ़ने का। और इसलिए उस स्व के आधार पर छोटे व्यवहार भी करना, जो हम अपने घर में बना सकते हैं, बाजार से नहीं लाना। बाजार से लाना है तो इसलिए लाना कि किसी का रोजगार उस पर चलता है, जो अपने देश में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। देश में नहीं बनता उसके बिना काम चल सकता है, चलाना। बाहर से लाना ही है, जीवन आवश्यक है। देश में नहीं बनता तो ठीक है, फिर लाइए। देश का जो व्यापार चले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो माल देना भी पड़ता है, माल लेना भी पड़ता है, वहां तो चलेगा, लेकिन वहां अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी शर्तों पर हम खरीदेंगे। सौदा पटेगा तब लेंगे, दबाव में नहीं करेंगे। अपने घर के अंदर अपनी भाषा बोलेंगे, घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भोजन अपना होना चाहिए। भ्रमण करने के लिए जाते, सारी दुनिया में जाइए कोई बात नहीं, अपने देश के भी स्थान देखिए, प्रेरक स्थान है और अपने देशवासियों की स्थिति बताने वाले स्थान है। जाइए वनों में, अपने वनवासी बंधु कैसे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, वहां कैसे जिया जाता है। प्रेरक स्थानों पर जाइए, किले देखिए, चित्तौड़ का गढ़ देखिए, रायगढ़ देखिए, ये भी जाने के स्थान है। भ्रमण वैसा होना चाहिए और अपना भवन भी वैसा होना चाहिए। ये स्वदेशी का व्यवहार है, उसको आग्रह पूर्वक करना, ये पांच बातें लेके स्वयं सेवक समाज में जाने का विचार कर रहे हैं। समरसता, सद्भावना, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक अनुशासन। और एक बात है जिसको हम सब ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मन वचन कर्म का विवेक चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र का वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपना देश विविध प्रकार का है और विविध स्थितियों में लोग हैं, इसलिए कोई एक बात देश में होती है वो सबके लिए अच्छी लगेगी इसकी गारंटी नहीं है। कोई कानून बनता है वो सबको जचेगा नहीं बता सकते, सबको खुश नहीं कर सकता कानून। तो हमेशा कुछ न कुछ तकरार रहेगी, शिकायत रहेगी, विविधताएं हैं। ये विविधताएं अलगाव नहीं है, विशिष्टता है। सृष्टि विविध है, सृष्टि की विशिष्टता है, हमारे देश में भी है। ऐसी बातों को लेकर आपस में लड़ पड़ना ठीक नहीं है। हम संवेदनशील रहते हैं इन सब बातों के प्रति, ठीक भी है, लेकिन उस संवेदनशीलता को प्रकट करने का मार्ग संयम का होता है, असंयम का नहीं होता। कानून और व्यवस्था को धता बताकर अवैध या हिंसात्मक मार्ग से उपद्रव खड़े करना, किसी ने किया पूरे वर्ग को जिम्मेवार मानना, ये गलत है। किसी के लिए ये विहित भी नहीं है। सहिष्णुता, सद्भावना भारत की परंपरा है, असहिष्णुता और दुर्भावना भारत विरोधी और मानव विरोधी दुर्गुण है। इसलिए क्षोभ कितना भी हो, असंयम से बचना चाहिए। मन, वाणी और कृति से किसी की श्रद्धा का, श्रद्धास्पद स्थान का, महापुरुष का, ग्रंथों का, अवतारों का, संतों का अपमान न हो, इसका ध्यान स्वयं के व्यवहार में रखना चाहिए। और अन्य किसी से ऐसा हो गया तो भी स्वयं पर नियंत्रण रखकर ही चलना चाहिए। असंयम के बदले असंयम से संयम निर्माण नहीं होता, बैर से बैर की शांति होती नहीं। संयत व्यवहार करना सीखे, क्योंकि सब बातों के परे, सब बातों के ऊपर महत्व समाज की एकात्मता, सद्भाव और सद्व्यवहार का है। यह किसी भी काल में किसी भी राष्ट्र के लिए परम सत्य है तथा मनुष्यों के सुखी अस्तित्व तथा सहजीवन का एकमात्र उपाय है। और ऐसे चलना है तो शक्ति चाहिए, क्योंकि दुर्बल धर्म का वहन नहीं कर सकते। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, अध्यात्म भी साधना बलहीनों को नहीं पट्टी।
ये सारा करना है तो दुनिया में तरह तरह की परिस्थिति है, सशक्त समाज इसको कर सकता है। जो नहीं करते वो अपने आप को कितना भी बलवान बताते होंगे, कुछ दुर्बलता उनके अंदर छिपी है। और इसलिए दुनिया की रीति है, सत्य भी है अपना, दुनिया शक्ति देखती है उसके पीछे की, उसको स्वीकार करती है। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। जब भारतवर्ष गिनने लायक बल नहीं रखता था तो हमारे कितने अपमान होते थे, हमारे लोगों को कैसे निकाला जाता था। अब भारतवर्ष की शक्ति बढ़ गई है तो मान भी बढ़ गया है, भारतवर्ष के नागरिकों की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है। भारतवर्ष जितना बड़ा बनेगा उतना उसकी बातें स्वीकार होगी, उसकी बातें सत्य है, सबके लिए है, सद्भावना परिपूर्ण है। परंतु उसका स्वीकार होना है तो शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, ये आज के जगत की रीति है। इसलिए शक्ति की साधना, दुर्बल नहीं रहना, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब प्रकार का बल चाहिए, संगठित समाज का बल चाहिए, उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। परंतु शक्ति को दिशा चाहिए, दिशाहीनों की शक्ति उपद्रव करती है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बल के साथ शील की साधना होती है। शील संपन्न शक्ति विश्व में सद्भावना और शांति का आधार बनती है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है, लेकिन ये शक्ति शील संपन्न होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना आपने सुनी, अजय्यांच विश्वस्य देहिश शक्तिम, अजय्य शक्ति जिसको कोई परास्त न कर सकते ऐसा ही है। लेकिन तुरंत कहा सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत, ऐसा शील चाहिए जिसके सामने आदर पूर्वक सारा जगत नम्र हो। भारत में ये जो चुनौती है सारे विश्व पर जो है, संपूर्ण विश्व का, विश्व की व्यवस्था मांगल्य नष्ट करके अपने स्वार्थी दाव की पकड़ में विश्व को रखना चाहने वाले लोग जो कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनको साथ दे रहे हैं, वो चुनौतियां उपस्थित करेंगे, उसमें से हमको आगे बढ़ना है निर्भय निर्वैर होकर। इसलिए शील संपन्न व्यवहार के साथ शक्ति साधना महत्वपूर्ण है। आज का पर्व भी ऐसा ही है, देवों ने सब ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित कर दी, नौ रात्र जागरण किया उसके लिए, उसमें से चिन्मयी जगदम्बा प्रकट हुई और उसके प्रकट होने से असुरों का निर्दालन हो गया, सज्जनों का कल्याण हो गया और विश्व का कल्याण हुआ। इस विश्व मंगल साधना के मौन पुजारी के नाते संघ लगा है, सबको यही साधना अपने परम पवित्र मातृभूमि को परम वैभव संपन्न बनाने की शक्ति व सफलता प्रदान करेगी। और इस साधना को देखकर दुनिया के बाकी देश भी इसी प्रकार की साधना उनके संदर्भ में उनके देश में करेंगे और सब ऐसे हो जाएंगे, विश्व के जीवन में अपने देश को सामर्थ्य संपन्न वैभव संपन्न बनाकर सब देश विश्व में योगदान करेंगे। ये स्थिति इसी रास्ते से आएगी, ऐसी ये साधना है। सुख शांति सद्भावना युक्त विश्व को बनाने की साधना करने वाला भारत बनाने की यह साधना है। इस साधना में आप सबको मैं निमंत्रित करता हूँ और इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर अब हिंदू की जय जयकार उठे, जग जननी का जय जयकार उठे, भारत माता की जय।